हूँ स्वीटी, आपका स्वागत है स्वीटीज किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं सलगम और हरे मटर की सब्ज़ी, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट में सलगम भी और हरे मटर भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो हम इससे बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। तो देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं सब्जी को। ये मैंने एक कढ़ाई, इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच तेल, साथ में लिया है मैंने और चीज़ें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 1 कप के लगभग सलगम, 3/4 कप मैंने लिया है हरे मटर, साथ लिया है हींग, साथ लिया है टमाटर 1 बड़े साइज़ का, साथ लिया है 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने क्रश करके लिया, पेस्ट भी ले सकते हैं, साथ ही हरा धनिया, 1 लाल मिर्च साबुन, 2 तेज़पत्ता और मसाले जो नॉर्मल हम लेते हैं, नमक मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, ये सब मसाले मैंने लिए हैं। ये तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है, चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जीरा डाल के हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं हम जीरा और जीरे को कुछ देर पकने देते हैं। जीरा देखिए हमारा थोड़ा पक चुका है, अब डाल देती हूँ मैं जो हमने लाल मिर्च ली थी, लाल मिर्च, और साथ में डाल देती हूँ मैं तेज पत्ता जो हमने लिए थे, उनको थोड़ा सा और सेक लेते हैं। और अब डाल देते हैं जो हमने रफली चॉप किए थे प्याज, और प्याज को अच्छा सिकने देते हैं। जब तक हमारा प्याज सिकता है मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हींग, हींग से ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और डाल देती हूँ अब मैं जो हमने हरी मिर्च ली थी, हरी मिर्च, ताकि ये भी साथ साथ भुन जाए। अब डाल देती हूँ मैं इसमें जो हमने क्रश करके रखा है अदरक और लहसुन, ताकि ये भी साथ में सिक जाए, और प्याज भी हमारे हल्के पिंक हो चुके हैं। अब डाल देती हूँ मैं इसमें मसाला, ताकि प्याज के साथ हमारा मसाला भी सिक जाए, तभी हमारी सब्जी का कलर है वो अच्छा आएगा। तो इसमें डाल देती हूँ मैं हल्दी पाउडर, तो ये मैंने 1/2 चम्मच हल्दी लिया था, साथ में डाल देती हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, दोनों को सिकने देते हैं कुछ देर। गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर दें, नहीं तो हमारा मसाला है वो जल जाएगा। अब डाल देते हैं हम हमारे जो मटर और सलगम लिया है वो, तो इनको हम मिक्स भी कर देते हैं साथ साथ। डाल देती हूँ मैं सलगम, और अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। ये सब्जी को फ्राई होते लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि ये मटर अच्छे से पक जाए। ये लगभग 1/4 कप मैंने इसमें पानी का यूज करा है, तो इसको कवर करके हम पकने देते हैं। देखिए सब्जी को पकते लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम टमाटर, ताकि टमाटर भी हमारे पक जाएं, और इनको हम सब्जी से ही कवर कर देते हैं, और वापस कवर करके हम 5 से 6 मिनट और पकाएंगे सब्जी को, ताकि सब्जी के साथ साथ हमारे टमाटर भी पक जाएं। तो देखिए सब्जी लगभग हमारी बन गई है, तो इसमें डाल देती हूँ मैं धनिया, हरा धनिया जो हमने लिया, और इसे कर देती हूँ मिक्स। और इसको मैंने 10 से 12 मिनट पका लिया है सब्जी को। इस सब्जी को आप पूरी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी आप खा सकते हो, खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर बना के देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।